हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाधवानी एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णाश का लर्न डिफरेंटली। सो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ वो बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक का नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो आपके प्री के एग्जाम्स में, चाहे वो पीओ का हो चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, उससे रिलेटेड टॉपिक आपसे, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। सो कोडेड इनइक्वालिटी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बताना चाहूंगी, जो उस एग्जाम में आपके क्वेश्चन में वो सिंबल यूज किए जाते हैं वो सिंबल बताऊंगी। सो सिंबल कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? जैसे अगर आप वी लिखते हो, वी लिखते हो, तो वी में नीचे पॉइंटेड हिस्सा होता है जिसमें दो लाइंस आपस में मिली हुई होती हैं, और ऊपर से वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है? तो वो लाइन यूज होती है, ओके? और दूसरी तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को ओपन करते हो, बाकी की सारी फिंगर्स को बंद कर लेते हो, तो एक जगह पे वो दोनों फिंगर्स मिली हुई होती हैं और दूसरे साइड से वो ओपन रहती हैं। सो वो क्या बनाती हैं सिंबल? वो बनाती हैं वी का, वी का। सो अगर वी, जब ये वी को आप उसका जो ओपन पार्ट होता है जहां से दोनों लाइनें अलग अलग होती हैं, वो वाला पोर्शन अगर आप लेफ्ट साइड में करते हो, वो पोर्शन अगर आप लेफ्ट साइड में करते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन, ठीक है? और आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, इसको क्रोकोडाइल का फेस भी कह सकते हैं। क्रोकोडाइल का फेस जिस तरफ ओपन रहता है वो, अगर कोई शिकार करता है तो उसका मुंह खुला होता है, ठीक है? अगर वो बड़ा शिकार देखता है तो बड़ा मुंह ओपन करता है, यानी बड़े की तरफ वो अपना क्या करता है, फेस ओपन करता है, ठीक है? तो ओपन पार्ट कहाँ होगा? जब उससे पहले कोई नंबर या कोई लेटर या कुछ भी उससे बड़ा होगा तो उसके आगे होता है वो ओपन हिस्सा, उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। वैसे तो वो अगर ओपन पार्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड में भी होता है तो वो राइट साइड वाला जो नंबर होता है वही बड़ा होता है, बट उस तरफ होता है तो उस सिंबल को हम लेस देन का सिंबल बोलते हैं। वो नंबर तो बड़ा होता है बट वो सिंबल को हम लेस देन का बोलते हैं। सो अगर हमने ये पार्ट को अगर लेफ्ट साइड में ओपन किया तो दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन, ठीक है? और अगर वही सिंबल को हम अपोजिट कर दें, यानी क्लोज्ड पार्ट वी का लेफ्ट साइड में और ओपन पार्ट वी का हम राइट साइड में कर दें, दैट इज कॉल्ड लेस देन, दैट इज कॉल्ड लेस देन। उसके बाद सिंबल यूज होता है इक्वल टू। दो हॉरिजॉन्टल छोटी छोटी लाइंस एक दूसरे के आमने सामने होती हैं उसको बोलते हैं इक्वल टू, उसको बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है? उसको बोलते हैं इक्वल टू। अब इसके अलावा जो ग्रेटर देन का सिंबल है उसको वर्टिकली एक लाइन कट करे, वर्टिकली एक लाइन कट करे तो हम क्या बोलेंगे? नॉट ग्रेटर देन। उसको हम क्या कहेंगे? वी विल से दैट नॉट ग्रेटर देन। तो अगर कोई भी दो नंबर आपस में, उनके बीच में अगर सिंबल लग जाए नॉट ग्रेटर देन, तो वो नंबर आपस में क्या रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे? कि उनमें से एक नंबर या तो छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, इक्वल टू, बट ग्रेटर नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है? और लेस देन के सिंबल को अगर ऊपर से वर्टिकली एक लाइन क्रॉस कर दे तो क्या बोलेंगे? नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। यानी लेफ्ट साइड का जो नंबर है वो राइट साइड के उस सिंबल के राइट साइड वाले नंबर से छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? वो राइट वाले नंबर से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, पर छोटा नहीं हो सकता। उसके बाद इक्वल टू को अगर वर्टिकली कोई लाइन क्रॉस करे तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू के बोथ साइड के जो नंबर्स हैं वो क्या है, या लेटर्स हैं, या लेटर्स हैं वो इक्वल टू नहीं है, वो इक्वल टू नहीं है, उनकी वैल्यू जो है इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो वो दोनों लेटर्स में से एक लेटर या तो छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, बट दोनों लेटर्स की वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस में आपको कोई सिंबल यूज किए जाते हैं, तो कौन कौन से यूज किए जाते हैं सिंबल, तो वो सिंबल यूज किए जाते हैं आइदर एट, एट कैसे होता है स्मॉल ए, उसके उसको सर्कल में क्लोज कर देते हैं, दैट इज एट द रेट। डॉलर का सिंबल यूज किया जाता है, डॉलर एस को ऊपर से वर्टिकली एक लाइन क्रॉस करती है डॉलर, ठीक है। हैश दो वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस के वे से क्रॉस करती है, दैट इज कॉल्ड हैश। इस तरीके से या स्टार, स्टार का सिंबल यूज होता है। अब ये डायरेक्ट आपका जो ये सिंबल्स दिए होते हैं इनका मतलब दिया होता है, इनका मतलब किस तरीके से दिया जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, इस तरीके से करके इनकी मीनिंग होती है। तो इनका मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो भी आपको दिया जाता है उसके हिसाब से, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपके आगे मैं बोलूं कि हमारे पास एक लेटर है ए, ठीक है, ए और बी और दूसरा तीसरा है सी। अब इन तीनों तीन लेटर के बीच में दो ही सिंबल लगेंगे, दो ही सिंबल लगेंगे, तो ए और बी यानी ए ग्रेटर है बी से और बी और सी बराबर है, यानी इक्वल टू है, बी एंड सी आर इक्वल टू। तो बी एंड सी इक्वल टू है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर ही हो जाएगी, जो भी उनकी वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी एंड सी आर इक्वल टू, सो वी कैन से ऑटोमेटिकली दैट ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, ठीक है। और अगर हम ये करें कि A is greater than B and B is less than C, तो हम ये कह सकते हैं कि B क्या है, A से तो छोटा है और C से भी छोटा है, तो B के रिस्पेक्ट से A और C का रिलेशन तो हम बता सकते हैं, बट क्या हम A और C का रिस्पेक्ट का रिलेशन बता सकते हैं, नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम B की वैल्यू 3 मान लें, B से बड़ा क्या है, A भी बड़ा है, तो A की वैल्यू हम 6 रख दें, कोई भी बड़ा 3 से ग्रेटर रख दें, और C, C आप क्या बोलेंगे, A is greater than B, क्योंकि A की वैल्यू क्या है, B से, A बड़ा है B से। अब C भी तो B से बड़ा है, बट C की वैल्यू B से बड़े में कुछ भी हो सकती है, आइदर 4 हो सकता है, अगर 4 है तो ये क्या हो गया, A से क्या हो गया, छोटा हो गया, या अगर मान लो 6 हो गया तो A से क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और अगर 3 हो गया तो क्या हो गया, B से छोटा हो गया। तो मतलब हम नहीं कह सकते A और C के बीच में क्या रिलेशन है, वी कैन नॉट से। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमें पता ही नहीं है कि उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो कोई भी रिलेशन हमें पता चलने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक हमें पता चलना चाहिए कि वो ग्रेटर है, लेस है या इक्वल टू है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो हमें तो ये चीज पता ही नहीं है। अब अगर मान लो आपके बीच में तीन सिंबल इकट्ठे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। अभी भी हम कह सकते हैं बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी और ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि क्या है, A is greater than B, greater का सिंबल है, B और C के बीच में less than and equal to का सिंबल है। तो अब A और C के बीच में अगर ये equal to का सिंबल ना होता, ठीक है, equal to का सिंबल B और C के बीच में नहीं होता, तो दो ही सिंबल होते तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि तीन, किन्हीं भी तीन लेटर्स के बीच में तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो एक बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है, इन तीनों में से। तो अब A और C का जब हम रिलेशन देखें तो A और C के बीच में B तो है, पर A और C के बीच में तीनों सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर का भी आ रहा है B के साथ, ठीक है, फिर C की तरफ जा रहे हैं तो C के साथ में क्या है, लेस देन का है, तो लेस देन का भी सिंबल है इन दो लेटर्स के बीच में, और इक्वल टू का भी सिंबल है, यानी तीनों ही सिंबल हैं। जब कभी भी दो लेटर के बीच में तीनों सिंबल यूज हो जाए, चाहे उसके बीच में कोई लेटर भी आ रहा हो, पर बीच में ये तीनों ही सिंबल यूज होते हुए हो, तो
उसमें क्या हो सकता है, आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं क्या कि ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा ए इज लेस देन और इक्वल टू सॉरी नॉट बी सी सी, ठीक है, क्या होगा आपका सी, ए इज ग्रेटर देन सी या ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो अब देखो ये तीनों ही सिंबल तो ए और सी के बीच में आ रहे हैं, ये तीनों ही सिंबल आ रहे हैं, जब ये तीनों ही सिंबल आ रहे हैं और ये दोनों ऑप्शन में भी, ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा, तो ये दोनों ऑप्शन को जब मिला रहे हो तो दोनों ऑप्शन में आप इंडिविजुअल आप बोलोगे ए और सी, ए इज ग्रेटर देन सी और दूसरा वाला ऑप्शन होता ही नहीं, तो आप पहले वाले को रॉन्ग करते और पहला वाला नहीं होता तो दूसरे वाले को भी रॉन्ग करते, पर दोनों ऑप्शन आपके पास हैं और दोनों ऑप्शन में तीनों सिंबल यूज हो रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आइदर ए वन और टू ऑप्शन इज करेक्ट, आप इस तरीके से इसको बोलोगे, ठीक है। आगे हम और देखते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हम यूज करते हैं, ओके। सो आगे यूज करने के लिए अब हम देख ये सारी चीजें कैसे करनी है, देखो पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास क्या है कि पहला आपके पास सारी चीजें में क्या दिया, पहला में दिया है ए इज ग्रेटर देन, जैसे मैंने आपको बताया ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, तो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए तो बी से भी बड़ा है और जब बी तो ए से छोटा है पर बी सी से बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि ए सी से भी बड़ा हो गया, ए किससे बड़ा हो गया, सी से भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, दूसरा आपके पास दिया है ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, यही दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ए और ए तो बी से बड़ा है पर बी सी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है, अगर बराबर भी हो तो बी की जगह पे हम सी को पुट कर सकते हैं, बी और सी अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो बी को हटा के हम सी रख सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा सी से भी, तो आप कह सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी और सी से भी अगर पूछा जाए तो ए इज ग्रेटर देन सी, और इस सिचुएशन में सी छोटा हो जाएगा ए से, बी से तो नहीं पता क्योंकि उन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू का, बट ए के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा ए से, ए से, क्योंकि ए और सी के बीच में जो दो सिंबल यूज हो रहे हैं दो बार क्या यूज हो रहे हैं, ग्रेटर की, ठीक है, तो ए की तरफ से देखें तो ए बड़ा है सी से और सी की तरफ से देखें तो सी छोटा है ए से, सी छोटा है ए से, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। और उसके अलावा फिर आगे और देखिए, आगे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो भी वही चीज है, सेम वही चीज है, बस ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का बी के बाद सिंबल था, अभी क्या हो गया, ये पहले आ गया है, तो अभी भी क्या है, ए बी से या तो बड़ा या बराबर है, लेकिन बी बड़ा है सी से, तो ए और सी के बीच में दो बार इक्वल ग्रेटर के सिंबल यूज हुए हैं, ए और सी के बीच में दो बार ग्रेटर के सिंबल यूज हैं, इक्वल का सिर्फ एक बार यूज हुआ है, तो जो ज्यादा बार यूज होगा हम उसको काउंट करेंगे, ए और सी के बीच में दो बार ग्रेटर का है और एक बार इक्वल टू का है, तो ए और बी का तो हमें नहीं पता, छोटा तो नहीं हो सकता ना, ए बड़ा ही है, तो ए बी से बड़ा या बराबर है और बी बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए बड़ा हो गया किससे, ए बड़ा हो गया सी से, ए बड़ा हो गया सी से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्या कि ए ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन सी,
ए इज इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए और बी की वैल्यू बराबर है, तो ए की जगह पे बी, बी की जगह पे आप ए कर सकते हो, तो ये दोनों तो बराबर हैं, पर बी क्या है, बड़ा है सी से, बी इज ग्रेटर देन सी, सो ऑटोमेटिकली ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। ये हो गया आपका। आगे आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही आपका वही है, ए ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो ए तो बी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली सी से भी बड़ा होगा क्योंकि बी और सी की वैल्यू क्या है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी एंड बी इज ऑल्सो लेस देन सी, ठीक है, तो ए सबसे छोटा फिर बी सी से छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो गया, ए, तो ए ऑटोमेटिकली सी से भी छोटा हो गया, बी ऑलरेडी इज लेस देन सी, ठीक है। आगे आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी एंड बी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है, सो बी एंड सी के बीच में हमें नहीं पता आइदर का है, आइदर हो सकता है आइदर बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है, आइदर वाला केस होगा, बट ए क्योंकि छोटा है बी से तो ऑटोमेटिकली ए और सी के बीच में दो बार लेस देन का सिंबल यूज हुआ, सो वी कैन से ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी। आगे आगे हमारे पास क्या है, आगे है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बी इज लेस देन सी, ठीक है, सो बी तो सी से छोटा है पर ए के रिस्पेक्ट से देखें तो ए या तो बड़ा है या बराबर, या तो छोटा है या बराबर है किससे, बी से, बी ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए सी से भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि क्या चीजें कैसे दी हुई हैं, और जो भी, वैसे तो ये वीडियो के माध्यम से सभी लोग सीख सकते हैं, एवरी कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो हाउ टू यूज इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी क्वेश्चंस, कोडेड इनइक्वालिटीज क्वेश्चन, बट जो वीआई स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू जस्ट आस्क स्क्राइब विच सिंबल हैज बीन यूज्ड, तो वो जो सिंबल बताएंगे और आप अपने आप अपनी मेमोरी के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे और उसे बताएंगे सही आंसर क्या है, ओके, सो ये हो गया। अब देखो बाकी के सारे सिंबल तो हो गए, लेकिन कई बार क्या होता है अपोजिट सिंबल्स भी यूज होते हैं, अपोजिट सिंबल भी यूज होते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लो अब एक और चीज होती है ए ए ए ए क्या है हमारा, ए है हमारा ए, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, अब दोनों ही सिंबल ए और सी, सो ए वी कैन से ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सो ए और सी के बीच में भी अब दोनों ही सिंबल दो बार यूज हो गए हैं, तो वी कैन नॉट जज विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉल, विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉल, ओके, सो यू हैव टू जस्ट फोकस कि वॉट हैज बीन गिवन देयर, एंड देन अगर आपके पास अपोजिट सिंबल दिए हो, यही चीज को हम अपोजिट कर दें, यही चीज को हम क्या कर दें, अपोजिट कर दें, ओके, यही चीजों को हम अपोजिट कर दें, कैसे, कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है, तो भी क्या हो गया, दोनों ही ए बी से छोटा या बराबर है और बी भी सी से छोटा या बराबर है और ए और सी के बीच में दो बार लेस देन और दो बार इक्वल टू का सिंबल यूज हो गया, सो वी कैन से ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, ओके, और सी के रिस्पेक्ट से देखोगे तो ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, सी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है,
अब अगर आपके पास दिया हुआ हो क्या, अगर आपके पास दिया हुआ हो अपोजिट सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और ए देयर इज गिवन ए इज लेस देन, ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी. मैंने आपको पहले ही ये चीज करवा दी है बट फिर से करवा रही हूँ. ए छोटा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए और सी के बीच में कौन सा सिंबल है, एक बार लेस देन का एक बार ग्रेटर का. तो हमें क्या पता कि उनकी वैल्यू क्या है. हम ए बी की वैल्यू मान लो 1 मान लें, बी ए की वैल्यू 2 मान लें, सी की वैल्यू 3 मान लें. तो अगर सी की वैल्यू 3 मान लें तो इससे क्या हो जाएगा, ए बड़ा ए छोटा हो गया सी से, ए छोटा हो गया सी से. लेकिन सी की वैल्यू अगर हम क्या मान लें, सी की वैल्यू अगर हम 1 मान लें तो इस हिसाब से ए सॉरी अगर इसकी वैल्यू हम 2 मान लें तो ए और सी बराबर हो गए, ए और सी बराबर हो गए. तो कुछ भी रिलेशन उनके बीच में हो सकता है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो ए का बी से, बी का सी से तो हमें पता है, पर ए और सी के बीच में दो अपोजिट सिंबल, अपोजिट सिंबल क्या है, या तो क्रोकोडाइल का मुंह आमने सामने खुला हुआ हो या बंद हो, ठीक है, तो अपोजिट सिंबल बोलते हैं. हो तो उस सिचुएशन में हम नहीं कह सकते उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है. नाउ अगर आपका ये दे ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ए भी बी से बड़ा है, सी भी बी से बड़ा है, तो बी क्या है, दोनों से ही छोटा है. पर ए और सी के बीच में दोनों फिर वापस अपोजिट क्रोकोडाइल ए दूसरे से अलग अलग तरफ फेस करके मुंह ओपन करके बैठे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस ओपन मुंह ओपन करके बैठे हैं. सो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन के सिंबल. सो वी कैन नॉट जज विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉल ए और सी के रिस्पेक्ट से. नाउ अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आइदर 1 or 2 वाला, तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही. जैसे अगर मान लो ए, ठीक है, ए ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ओके, एंड बी इज लेस देन सी. तो आप कह सकते हो दशामे ही दिया हुआ है कि ए बड़ा या बराबर है बी से और बी छोटा है सी से, पर सी और ए का कंपेयर करो तो तीनों ही सिंबल आ रहे हैं. ए क्या है, बड़ा है या बराबर है, ठीक है, या लेस है, तीनों ही सिंबल आ रहे हैं. चाहे ग्रेटर और इक्वल टू साथ में यूज किया पर है तो सही, तो आप क्या बोलोगे, आइदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन सी, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में आइदर का केस होता है हमेशा हमेशा. आपका क्या होगा, ऑप्शंस आपके पास होंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी और ए इज लेस देन सी, या ए इज लेस देन सी और दूसरा ऑप्शन रहेगा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, ओके, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के लिए करवा देती हूँ सो दैट कि आपको पता चले कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उन्हें कैसे करोगे उन क्वेश्चन को. सो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं क्या, अगर आपके पास दिया हुआ है कि तो तीन सिंबल हैं ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन फिर इक्वल टू, ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है एल इज ग्रेटर देन एम, एल इज ग्रेटर देन एम, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू और क्यू इज इक्वल टू एन, ठीक है, ये दिया हुआ है. तो आप क्या बोलोगे, एल क्या है, एम से पूछो तो एल तो बड़ा है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है, एम इज इक्वल ग्रेटर देन क्यू तो ये भी हमें दिया है, क्यू और एन बराबर ही है. अब एल और क्यू का पूछिए तो एल और क्यू के बीच में एम है, और एम क्या है, क्यू से बड़ा या बराबर है, और एम से क्या, एल एम एल से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली एल
की तरफ दो बार ग्रेटर का सिंबल है और एक ही बार इक्वल टू का सिंबल है. सो वी कैन से एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू. एल इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू. अब एन से भी तो सेम हो गया क्योंकि क्यू और एन की वैल्यू क्या है, बराबर है. तो हम क्यू की जगह एन भी रख सकते हैं और तब अगर पूछा जाए तो भी हम यही बोलेंगे कि एल इज ग्रेटर और इक्वल टू एन. ओके, अब नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ए ए इज लेस देन सी, सी ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, सी एंड डी आर इक्वल, सी एंड डी आर इक्वल. तो आप क्या बोलोगे, सेम वही चीज, ए तो बी से छोटा है, बी छोटा या बराबर है, सी से सी और डी की वैल्यू बराबर है. तो ए इज लेस देन सी क्योंकि ए और सी के बीच में सिर्फ बी है और ए और सी के बीच में दो बार लेस देन और एक ही बार इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ है. तो ए इज लेस देन सी. बट अगर यही चीज दो बार ही ग्रेटर की और दो बार जैसे लेस देन का यूज हुआ है साथ में ही दो बार इक्वल टू का यूज हो जाए तो ए इज लेस देन और इक्वल टू सी हो जाएगा क्योंकि दो बार लेस देन और दो बार इक्वल टू का सिंबल यूज हो गया है इसलिए. और वही चीज सी और डी की वैल्यू क्योंकि बराबर है, इक्वल है, तो डी से भी वही रिलेशन हम कहेंगे. ठीक है, और जब भी आपका ये दो सिंबल एक साथ यूज होता है ना, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन के साथ सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है छोटी सी. ठीक है, दो बार नहीं होती है, एक ही बार होती है. तो लेस देन एंड इक्वल टू. और ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल कैसे होता है, ग्रेटर देन, ठीक है, और उसके नीचे एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, अगर दो सिंबल साथ में दिए होते हैं ग्रेटर या लेस देन के साथ इक्वल, तो इसी तरीके से ही ये लाइन यूज होती है. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ ई, इफ ई इज, ई इज लेस देन एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन जी. ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, एफ से, एफ तो बड़ा है ई से और एफ बड़ा है जी से, पर ई और जी के बीच में दो अपोजिट सिंबल हो गए, दो अपोजिट फेस किए हुए क्रोकोडाइल हो गए. तो क्या हो गया, ये एक बार ग्रेटर का है एक बार लेस का है, तो हम नहीं कह सकते कि क्या रिलेशन है. सो द रिलेशन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी नो रिलेशन, हमें नहीं पता कि उनके बीच में रिलेशन क्या है. ठीक है, क्या है ये रिलेशन, हमें नहीं पता. ठीक है, नाउ पी, ओ, ओ इज ग्रेटर देन जे, ओ इज ग्रेटर देन जे एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू एच, तो भी आप क्या कह सकते हो, जे का रिलेशन हमें ओ से भी पता चल रहा है क्योंकि ओ से छोटा है and O is greater than J and J is less than or equal to H, J is less than or equal to H और H क्या है, बड़ा या बराबर है J से. तो इनके तो रिलेशन J के साथ हमें पता है, पर O और H के बीच में एक लेटर है J और तीन सिंबल यूज किए गए हैं, क्या, एक बार ग्रेटर, एक बार लेस और एक बार इक्वल टू. तो तीन सिंबल यूज किए गए हैं. वैसे तो इंडिविजुअली कुछ नहीं पता कि O H से बड़ा है या O H से छोटा है या O एच से बराबर है. वैसे इंडिविजुअल देखेंगे तो हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि दोनों के बीच में तीन सिंबल हैं तो आइदर के केस में ये सही हो जाएंगे. कैसे होंगे, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें हमें साइड बाय साइड पता चल जाएंगी. नाउ अगर आपके पास दिया हुआ हो एस इज लेस देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन एम, ठीक है, तो पी का हमें पता है रिलेशन एस से, वो बड़ा है, और P का रिलेशन M से पता है, P किससे बड़ा है, M से भी. लेकिन P और S और M, S और M के बीच में P है और P क्या है, बड़ा है S से, P बड़ा है M से, तो क्रोकोडाइल का फेस एक दूसरे के सामने बड़ा है, तो उन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है नहीं पता. कौन सा छोटा है, जब भी क्रोकोडाइल का फेस या तो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो या तो एक दूसरे के सामने ओपन हो, दैट इज कॉल्ड अपोजिट
वो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, वो हम नहीं बता सकते कि उनके बीच में एग्जैक्टली कौन सा रिलेशन है. सो नो रिलेशन. अब आपके पास हो ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, अभी भी वही चीज है जो मैंने ओ और एच से बताई थी. बी का रिलेशन हमें ए से भी पता है, बी का रिलेशन हमें सी से भी पता है, लेकिन ए और सी के बीच में एक बार लेस देन एक ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों सिंबल है. तो इंडिविजुअली वी कैन नॉट से दैट कि ए छोटा है सी से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, क्योंकि ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. ओके, ये चीजें आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा. जिस जिस तरीके से और जिन जिन स्टेप्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ, वही वही स्टेप आपको फॉलो करनी है. ओके, नाउ पास क्या दिया है, पी पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू और क्यू इज इक्वल टू आर. आई रिपीट, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू एंड आर इक्वल टू, ठीक है. तो आपके पास कंक्लूजन दी हुई है, कंक्लूजन दी हुई है क्या कि पी इज ग्रेटर देन आर, पी इज ग्रेटर देन आर. तो क्या पी आर से ग्रेटर है, क्या पी आर से ग्रेटर है? अगर आर के साथ पी का रिलेशन पूछा है और क्यू आर आर की वैल्यू तो बराबर है, तो आप क्यू की जगह आर रख सकते हो, क्यू की जगह पे आर को आप रख सकते हो. तो अब देखो पी और आर के बीच में क्या है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी टू भी है, तो दोनों ही सिंबल है. तो आपको क्या पता पी बड़ा है या बराबर है, तो पी इज ग्रेटर आर, क्या ये सही है? नहीं. अब दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या दिया है, पी इज इक्वल टू आर. तो क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हो इंडिविजुअली देख करके कि पी आर बराबर है? नहीं, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू दोनों यूज हैं, तो इंडिविजुअली ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन हो आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, तो सही हो जाएगा. यानी दो ही सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही दो सिंबल है, तो यही दोनों में से तो उनके बीच में कोई रिलेशन होगा ना, कि P is either greater than or equal to R, ठीक है. इस तरीके से हम इसको आंसर करेंगे. इंडिविजुअली दोनों हमारी क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे, बट आइदर के केस का अगर ऑप्शन हमारे पास होगा तो वो ट्रू हो जाएगा. और उसके बाद क्या है, P is equal to Q, P is equal to Q, Q is greater than or equal to R, R is greater than or equal to S, S is also equal to T. So we have four letters and four symbols. So P is equal to Q, Q is greater than or equal to R, R is greater than or equal to S, S and T are equal to. So we have options. Conclusion one में क्या दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन क्या है, P is greater than T. P is greater than T. तो P और T के बीच में आ साथ P से डायरेक्टली T तक जाओ, तो P और Q तो बराबर है, तो Q की जगह आप P लिख सकते हो और S की जगह T भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है. और सिंपल कौन से हैं, P और T के बीच में दो बार greater और दो बार equal to के सिंबल हैं, ठीक है. तो दोनों की नंबर बराबर हैं, तो क्या हो गया, P is either greater than or equal to T, ठीक है. यही होगा, या तो P बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, बट ये ऑप्शन में क्या है, P is greater than T, तो ये रॉन्ग हो गया, दैट इज रॉन्ग. और P is greater equal to T, वो भी रॉन्ग. अब कंक्लूजन टू में आपके पास क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, देयर इज गिवेन Q, Q इज ग्रेटर देन S, तो Q और S के बीच में भी वही दोनों सिंबल हैं, दोनों यूज किए हुए हैं, Q और S के बीच में दो बार ग्रेटर है, दो बार इक्वल टू है, ठीक है, और R है, तो दो बार ग्रेटर और दो बार इक्वल टू का है, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली A ऑप्शन इज रॉन्ग, Q इज ग्रेटर देन S दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. B में दिया हुआ है Q इज इक्वल टू S, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं. ओके, सो व्हाट इज इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज गिवेन
H H H is greater than or equal to M. M is less than or equal to V. And V is equal to K. V is equal to K. अब V और K तो बराबर है, तो V के साथ हम K भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं V के साथ K, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है. अब कंक्लूजन में हमें पहला क्या दिया है, ये तो स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या गिवन है हमारे पास, कंक्लूजन गिवन है कि H, पहले ऑप्शन में कंक्लूजन दी हुई है H, H इज लेस देन K, ठीक है, ओके. तो अब H K से छोटा है क्या, तो H और K के साथ में अगर हम जाते हैं तो बीच में देखो हमारे पास क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि H बड़ा या बराबर है M से, तो ग्रेटर है और इक्वल टू है. फिर M क्या है, M छोटा या बराबर है V से, तो लेस देन का भी सिंबल है और इक्वल टू का भी है. फिर उसके बाद K तो बराबर ही है V से, तो दो दो बार इक्वल है, लेकिन एक बार ग्रेटर भी है और एक बार लेस देन भी है, एक बार ग्रेटर भी है और एक बार लेस देन भी है, यानी अपोजिट सिंबल तो आए ना. चाहे तीन बार इक्वल टू का यूज हो गया, चाहे तीन बार इक्वल टू का यूज हो गया और के को हमने वी की जगह यूज किया, तो क्या हो गया, दो, एक बार ग्रेटर एक बार लेस देन पर दो बार इक्वल टू. तो ऐसी सिचुएशन में इक्वल टू को हम ज्यादा में नहीं काउंट करेंगे कि दो बार इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे कि के क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे नहीं. अपोजिट सिंबल जब भी होगा तो हमें पहले उसको भी देखना पड़ेगा, अपोजिट सिंबल का जब भी आ जाए तो वो नो रिलेशन में काउंट होता है, बट इक्वल टू का भी सिंबल है. तो अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, H H H is greater than or equal to K. तो अब देखो हमारे पास ऑप्शन में तीनों सिंबल आ गए. पहले ऑप्शन में दिया क्या, H is less than K. दूसरे ऑप्शन में दिया H is greater than or equal to K. तो H और K के दो अलग अलग ऑप्शंस में क्या दे दिया, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल मतलब एच एंड के. दूसरे में भी एच एंड के वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल सेम हो, सिंबल अलग अलग हो, पर तीनों सिंबल ही दोनों ऑप्शन में यूज हो गए हो, आ गए हो, तो वो दोनों ऑप्शन को मिला के हमारे पास अगर ऑप्शन हुआ सेम वेरिएबल्स के साथ, इंडिविजुअली दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, इंडिविजुअली दोनों, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है. बट आइदर के केस में अगर देखें तो आइदर और के केस में एच और के साथ लेस देन भी मिल गया, एच और के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी सिंबल, यानी तीन सिंबल मिल गए. ग्रेट लेस देन अलग से है, दूसरे में ग्रेटर और इक्वल टू साथ में है चाहे तो, फिर भी मिले तो तीनों तीनों ही मिले, तो क्या हो गया, एच इज आइदर लेस देन और दूसरे में एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ठीक है. इस तरीके से हमें सारी ही चीजें इकट्ठी मिल गई हैं, ओके. सो ये था हमारा इनइक्वालिटी के किस तरीके से हमारे पास सिंबल्स ये होते हैं, किस तरीके से उन सिंबल्स को हमें पहचानना होता है, कैसे वेरिएबल्स कैसे होते हैं तो करना होता है. आइदर के केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि दोनों ऑप्शन में अगर वेरिएबल्स सेम हो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होती हो और सिंबल दोनों को मिलाकर के दो ऑप्शन को मिला के तीनों सिंबल मिलते हों, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरे में लेस देन, यानी तीनों दो ऑप्शन में तीनों अगर आपके सिंबल आते हों तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि उनके बीच में आइदर का केस है. आइदर केस के केस के लिए ये इंपॉर्टेंट रूल होता है. सो ये था हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का पार्ट वन, जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरीके के सिंबल होते हैं और कैसे सिंबल को देखा जाता है. पार्ट टू में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी कि किस तरीके से हम इक्वेशन करने हैं. सो प्लीज अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला है और आगे भी आप इससे कुछ सीख सकते हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू, बाय बाय.